जय श्री कृष्ण दोस्तों, भगवान हमारे भविष्य को जानते हैं या भगवान हमारा भविष्य पहले से ही निर्धारित करते हैं, तो इन सवालों के ऊपर आज भी प्रश्न उठता है। तो अगर भविष्य निर्धारित है तो हम भौतिक संसार में कुछ हासिल करने के लिए इतना क्यों तरसते हैं, ये भी सवाल है। तो अगर ये सत्य है तो हम तो पहले से ही बंधे हुए हैं, हमारे मन की इच्छा अनुसार हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फिर हमारे जीवन का क्या ही अर्थ रह जाएगा। तो इसका उत्तर है हाँ, भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, वे भूत भविष्य वर्त सबसे वाकिफ होते हैं, हर एक जीवात्मा की कुंडली वे जानते हैं। परंतु आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भगवान जानते तो है किंतु वे इनसे जानबूझ के नहीं जानते। तो इससे ये भी है कि भगवान सबका भविष्य तो जानते हैं लेकिन एक चीज़ नहीं जानते कि कौन सी जीवात्मा अपनी आत्मा को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती है, ये वे नहीं जानते। इसलिए भगवान ने हर एक को मन दिया है जिससे स्वभाव उत्पन्न होते हैं और उसी से स्वतंत्रता मिलती है। खुद की स्वइच्छा मन से जन्म लेती है, स्वतंत्र रत्न तो ये स्वतंत्र हमें भगवान ने ही दी है। तो इसलिए ये सृष्टि एक पथ पे नहीं चलती क्योंकि अनेक स्वभाव से, अनेक स्वतंत्रता से सृष्टि के जीव अपने अनुकूल वातावरण बनाते हैं। तो उसी हिसाब से भगवान भी सृष्टि को बदलते रहते हैं जिसका प्रमाण युग है। तो इसलिए हम किसी के बंधन में बंधे हुए नहीं है, हम एक आज़ाद परिंदे हैं। तो इस तरीके से सृष्टि तो चलती है परंतु वो बदलती भी रहती है, परंतु हमारे स्वतंत्रता को बिना जाने वो ये सब करते हैं और यही चीज़ भगवान को पूर्ण बनाती है। पूर्ण ब्रह्म अखंडित पूर्णतावादी भगवान है, तो वे सब कुछ जानते हुए भी वो अनजान बन के रहते हैं। अंततः एक आत्मा अपने आप को कैसे भी इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए हमारा भविष्य हमारे ही हाथ में होता है। हाँ, परंतु गीता अनुसार अगर आप भगवान की शरण लेते हैं तो आपका उत्तरदायित्व स्वयं भगवान लेते हैं, किंतु इनके लिए उनका निरंतर चिंतन और उनकी आराधना आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से भगवान हमारा भविष्य जानकर भी नहीं जानते, इसलिए हमारा भविष्य हमारे हाथों में ही है। वही भक्तों का भूत वर्त भविष्य सब भगवान के हाथ में है क्योंकि भक्तों ने अपने आप को स्व इच्छा से भगवान को खुद को समर्पित किया है, इसलिए भगवान उनका उत्तरदायित्व स्वयं लेते हैं। आशा है आपको हमारी छोटी सी प्रस्तुति अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो अपने मित्रों संग शेयर करके लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। क्वेश्चंस के लिए कमेंट जरूर कीजिए, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।